अना, I love you. But I don't. अना नहीं। तुम्हारे साथ कितना अच्छा लग रहा है। मैं आसमान के तारे देख सकती हूँ। तुम मुझसे नफरत नहीं करती सौरा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं 12 साल की। मैं खुद तुम्हारे पिता से बात करूंगा। तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे हो। मुझे माफ कर दो सौरा। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं पूरी तरह से मूव ऑन हो सकता था। हाय, लो ड्रिंक लो। तुम थक गए होगे, है ना? और सौरा को खुश करने के चक्कर में तुम थक जाया करते हो, है ना? है ना, मैं मुझे उसकी माँ ऐना दिखती है। हाँ, वो तो होगा ही, आखिर है ना, ऐना की बेटी ही तो है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। जब भी मैं हैना के साथ होता हूं
क्या तुम्हें ऐना मिली? नहीं, ऐना तो नहीं, पर हमें कुछ और मिला है। तो बताओ क्या मिला है तुम्हें? मैं वो को मैसेज भेजूंगी। ओ योंग, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ऐना कहाँ है बताओ, मुझे उससे मिलना है। वो शहर से बाहर है कुछ पर्सनल रीजन से। उसे यहाँ बुलाओ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ये तो बताओ ये किस बारे में है? ऐना कहाँ हो? बाहर निकलो, तुम उससे छुप नहीं सकती हो। बाहर निकलो ऐना। तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकती। ऐना ने मुझसे गलत कहा था, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा था। तुम जानती हो ऐना ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने उस पे शक किया था, और ये सब मेरे साथ ऐना ने किया था। अब मैं कैसे जीऊंगी? बताओ ऐना कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज शांत रहो। छोड़ो मुझे। मैं अपने आप को मार दूंगी। बताओ ऐना कहाँ है? अगले महीने वो शादी कर रहा है, मुझसे नहीं किसी और लड़की से। मैं अब उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं अपने आप को मार दूंगी। ओह, ऐना ने मुझे फिर मैसेज किया। अच्छा, ऐना बहुत स्वार्थी है ना? वो कुछ दिनों से मैसेज जरूर भेजती है पर देखती बिल्कुल नहीं। वो तुम पर नजर रख रही है। ऐना का मैसेज आने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगा जैसे वो शहर में ही है, शायद यहीं कहीं किसी नेल शॉप पर। तुम एक किस्म के पागल हो, तुम्हें पता है? क्या तुम अब भी उससे प्यार करते हो? आह, मुझे ऐना को देखने जाना चाहिए। ठीक है, तुम गलतियां करते रहो, मैं उन्हें छुपाता रहूं। ऑलराइट, उसके लिए कुछ स्नैक्स लेके जाओ। ऐना का मैसेज देखकर उसे बहुत खुशी होगी। ये सब ऐना की वजह से हुआ है, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तुम बताओ, मुझे नहीं जीना, मुझे मर जाना चाहिए। मैं अपने आप को मार दूंगी। मैं अपने आप को छोड़ो, मुझे मर जाने दो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो। मैं क्या करूंगी अब, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम गलत हो, प्यार बदलता है। मतलब? एक दिन किसी ने मुझसे कहा था, प्यार रोज बदलता है, ये और प्यारा और मजबूत होता है अगर आप महसूस करें तो। तुम्हारे लिए मैंने अपना दिल भेजा है ऐना। किसी ने कहा था कि प्यार कैसे बदल सकता है, सच तो ये है कि सच्चा प्यार बदलता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार रोज बदलता है, ये और बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जा चुका है, जो प्यार तुम लोगों ने किया वो अच्छा था। अगर तुम उस प्यार को दिल में संभाल कर रखोगी तो तुम्हें उससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे फिर से प्यार करना चाहिए क्या? क्यों नहीं, तुम बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ? वो लड़का बेवकूफ था, तुम जैसी लड़के को धोखा कैसे दे दिया? ख्याल रखो अपना, नींबू पानी पी लेना, हैंगओवर उतर जाएगा। हाँ। हाय मिस्टर।
मुझे बताओ तुम्हारे पास ऐना का मोबाइल क्यों और कैसे आया, और वो जो बातें मैंने उसे लिखी थी। क्योंकि मैं ही ऐना हूँ। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मजाक नहीं है, मैं ही ऐना हूँ। एक दिन मैं सोकर उठी और बच्ची बन गई। क्या? मुझे माफ कर दो। क्या तुम सच में मेरी ऐना हो? क्या तुम समझ सकते हो, हमारी दूसरी एनिवर्सरी पे तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे। ये उसी रात की बात है, मेरी कोई बेटी नहीं है। तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही मेरी ऐना हो? तुम्हें ब्रोकली नहीं पसंद? तुम्हें कैसे पता मेरे पैर में दर्द है? इस सूप का स्वाद तो एकदम ऐना के जैसा है। मैं हूँ ऐना, दादी माँ। हेलो सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आइए मेरे साथ आइए। हाँ। पर हमें कुछ अजीब मिला। तो बताओ क्या मिला है तुम्हें? तुम सब समझ जाओगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस उससे जाकर मिलो। एक्सक्यूज मी, मैं क्लेयरगो से मिलना चाहती हूँ। मैं ही हूँ क्लेयरगो, बोलो क्या काम है मुझसे? हेलो मैम, वो मैं समय के लिए इसे राज ही रखते हैं ना, लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझेंगे। क्या तुम इस सिचुएशन को समझ सकते हो? अब से मैं अपने घर में रहूंगी। बिल्कुल नहीं, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरा मकसद बच्ची बनना बिल्कुल भी नहीं था। मुझे कुछ समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अब तुम ये मत कहो कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओगी। यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं बस कह रही हूँ, मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ।
ओ, बहुत दिनों बाद आए सर। हाँ, थोड़ा बिजी था मैं। हेलो, आप कैसे हैं? अरे वाह 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 वाह, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन यहाँ अपनी एक फोटो छोड़ दी थी शायद। ये लीजिए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या आपने ये कार्ड पहले देखा है? ये कार्ड, इसे तो मैंने 30 साल पहले देखा था। तुम्हारे पास कैसे आया? ये जो बीच में फूल है, ये नाशपाती फूल है ना? इसे लेवा भी कहते हैं। हाँ हाँ। जिसने इस कार्ड को इतने समय तक संभाल के रखा है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? लीवा, नामी ओपा, लीवा, 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 नामी ओपा, नामी ओपा, तुम यहाँ? यकीन नहीं होता, तुम्हें फिर से देख रहा हूँ। कैसी हो तुम? ईश्वर का शुक्र है, उसके दिमाग में तुम्हारी दादी माँ थी। दरअसल बात यह है कि मुझे उनकी चिंता हो रही थी, पता नहीं पहचानेंगी भी या नहीं। मैं उनके प्यार की बहुत कद्र करता हूँ, जिंदगी भर एक दूसरे को याद रखा। किसी को जिंदगी भर याद करते रहना सच में बहुत खुशी की बात होती है। तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश क्यों की? तुमने बिना बताए मार्केट में स्टोर कैसे डाला? क्या तुम मुझे छोड़कर फिर जाने वाली थी नामी की तरह? तुम मुझे माफ कर देना प्लीज, हम एक रिश्ते में हैं, पर अगर तुम मेरे बारे में सब जानते, हो सकता है तुम मुझे छोड़ देते। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, पर खुद पर यकीन नहीं। मेरी तरफ देखो, अब मैं एक बच्ची हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी इंतजार नहीं कर सकता बुढ़ापे को देखने के लिए। हालांकि बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। काश कि मैं ये कर पाती, पर क्या होगा अगर मैं बच्ची ही रही तो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, है ना? मुझे ऐना से प्यार हो गया जो मुझसे 15 साल बड़ी थी, तो मैं तुमसे भी प्यार कर सकता हूँ जो मुझसे 15 साल छोटी है। वो तुम जब तुम एक बड़ी लड़की बन जाओगी, क्या तब भी इतना प्यार करोगी? बताओ ना मुझे, है ना? मुझे नहीं पता कि तुम ऐना की तरह वापस आओगी या नहीं, पर अब हम एक हो चुके हैं। ये रही आपकी कॉफी, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत दिनों बाद मिले हैं, इतनी फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुमने अमेरिका कब छोड़ा? इल्वू को अकेला छोड़ के तुम बहुत खुश थी ना? तुम्हें पता है वो तुम्हें कितना याद करता था? 2 साल पहले उसके पापा गुजर गए। एक कार एक्सीडेंट में। एक्चुअली वो बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। मैं नहीं जानता था कि तुम नाम बदलकर कोरिया में रह रही हो। उसके पापा की इच्छा थी कि कोरिया में वो अपना असली नाम कभी इस्तेमाल ना करे। उन्हें चिंता थी कि वो मुझे ढूंढ लेगा।
बिल्कुल सही चिंता थी। देखो इस वक्त ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि वो क्या करने वाला था? वो एक 15 साल बड़ी लड़की से शादी करने वाला था और उसका नाम ऐना है। तुम्हारा मतलब वो ऐना? एक मिनट, तुम ऐना को कैसे जानती हो? एक्सीडेंट के बाद मुझे वो की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मैं उसका ख्याल नहीं रख पा रही थी।